नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं ब्लू डॉट कोरियर के बारे में कि आप अपना क्रेडिट कार्ड कैसे ब्लू डॉट कोरियर से ले सकते हैं। आपका रिटर्न होता है, काफी लोग का रिटर्न होता है, इसके रूल पॉलिसी शायद आप लोग अभी नहीं जान पाए हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत काम का वीडियो है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों यहाँ पे देखो, बैंक हो चाहे कोई भी एनबीएससी कंपनी हो, अगर आपको बैंक से कोई भी लेटर, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी अगर आता है तो बैंक के हमेशा ब्लू डॉट कोरियर को अधिकतर चूज करती है। इसके बाद डिलीवरी कोरियर लास्ट ऑप्शन आपका आता है स्पीड पोस्ट। बट सो यहाँ पे सबसे अधिक ब्लू डॉट कोरियर को ही चुना जाता है। रीजन, सिक्योरिटी रीजन काफी मिलता है। बैंक को लगता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरा चेकबुक, मेरी जो भी पर्सनल डेटा है, सिस्टम है, वो सारे सेफ है। और रियल लाइफ में ये वैसे काम भी करता है। अगर आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, अप्रूवल मिल गया, किसी एजेंट ने आपसे कॉल करके आपके एरिया में सर्विस नहीं है, कहीं और का पिन कोड डाल दिया, कहीं और का एड्रेस फिल कर दिया, फिल करके आपको अप्रूवल तो दिलवा दिया, और जब डिस्पैच का टाइमिंग आएगा तो जो आपका एड्रेस, मतलब कि जो आपका एड्रेस वहां पे अपडेट है, उस एड्रेस पे आपको होना जरूरी है। अगर आप नहीं रहेंगे तो एक कुरियर वाले आपको कार्ड नहीं देंगे, बैंक को रिटर्निंग कर देंगे। अब अगर आप बैंक के पास फिर से मेल करोगे तो बैंक फिर से भेजेगा और फिर से आपका वापस जाएगा। अगर फिर से बैंक को मेल करोगे तो बैंक कोई दूसरा कुरियर चूज करेगा, और वो कुरियर अगर चाहेगा तो आपको दे दे तो दे दे, अगर नहीं देता है तो फिर बैंक बोलेगा कि आप केवाईसी अपडेट करो, तब ये कार्ड मिलेगा। तो यहां पे इसका सर्विस के बारे में थोड़ा सा आप समझ लो। देखो होता क्या है, मान लो आपका एड्रेस दिल्ली का है, आप दिल्ली का है, आप पिन कोड आपके एरिया का है, आपका प्रॉपर एड्रेस है, लैंडमार्क है, तो दिक्कत नहीं है, कार्ड आएगा आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पे अगर आपका एड्रेस वहां का है, पिन कोड कहीं और का है, कुछ लैंडमार्क में गलती है, तो नहीं देंगे। तो उसके लिए आपके जो कुरियर टीम है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनके पास एक राइट है कि वो आपको अपने जिम्मेदारी पे आपको कार्ड दे सके। रियल लाइफ में हुआ था, मतलब कि हमारे एक रिलेटिव थे, कार्ड अप्रूव हो गया, बैंक ने गलत इंफॉर्मेशन, सॉरी एजेंट ने गलत इंफॉर्मेशन फिल करवा के कार्ड को अप्रूवल दिलवा दिया, और ऐसे एजेंट कर रहे हैं। बैंकों को ध्यान देना चाहिए, कार्ड तो अप्रूव हो गया, कार्ड आ गया, बोला हम कार्ड नहीं देंगे, यहाँ पे सर्विस, यहाँ पे एड्रेस गलत है, हम बैंक को वापिस करेंगे। तो यहाँ पे जो कुरियर टीम थी उनसे संपर्क हुआ, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि बड़े मेहनत से कार्ड अप्रूव हुआ है, इसको दे दीजिए। तो उन्होंने अपने जिम्मेदारी पे केवाईसी लिया, आधार कार्ड लिया, वेरीफाई करने के बाद ही दे दिया, कार्ड मिल गया। तो ये हर लोगों को नहीं मिलता है। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, एड्रेस मिसमैच है, पिन कोड मिसमैच है, या कोई और रीजन से अगर आपका वापिस जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड है, तो आप कस्टमर केयर में कॉल नहीं कर पाओगे, आपका क्रेडिट कार्ड है नहीं, तो बैंक को मेल कर दो। मेल करने के साथ साथ अगर आपका दोस्त, मित्र या आपकी वाइफ या किसी के पास HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड है, तो उनके नंबर से कॉल करो और बोलो, वेरीफाइड करवा लो कि सर मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं आया, ये दिक्कत है, तो उनके थ्रू आपका कंप्लेन दर्ज होगा। और आप अगर चाहोगे तो चॉइस कुरियर से, जो आपका चॉइस कुरियर है, आपके एरिया में सर्विस है, उनसे आप मंगवा सकते हो। तो इस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा काफी सारे कार्ड के संग, तो मैं आपको शेयरिंग कर रहा हूं। तो याद रखना, अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो, अगर एजेंट कोई गलत एड्रेस फिल कर रहा है, अगर अप्रूवल दिलवा दिया तो भी कार्ड आपको नहीं मिलेगा, तो याद रखना हमेशा रियल एड्रेस फिल करवाएं। बाकी तो अप्रूव होने के बाद अब वो कुरियर टीम तय करेगी आपको कार्ड देना है कि नहीं देना है, क्योंकि इसकी पॉलिसी काफी सख्त है, एकदम सेम टू सेम एड्रेस पर मिलता है, वो भी केवाईसी और वेरिफिकेशन करने के बाद ही। तो आपने इसके बारे में जान लिया, समझ लिया, अगर आपका ऑफिस जाता है तो आप एक काम जरूर करना, बैंक को ईमेल कर देना, या तो आप किसी दूसरे का क्रेडिट कार्ड है तो उसके रजिस्टर नंबर से उसे कॉल लगवाना, फिर आप बात करना अपना वेरिफिकेशन करवा के कि सर मेरा इस कुरियर से नहीं आ रहा है, कोई और कुरियर से भेज दो, तो वो भेज देंगे। यह है पूरा इसका पूरा रिव्यू और डिटेल्स। वीडियो कैसा लगा है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।